हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में भक्तों आप सभी को सनातन धर्म के पांच दिवसीय यानी पांच दिनों तक मनाए जाने वाले सबसे बड़े महापर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही धनतेरस की भी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को धनतेरस की बहुत ही जो है सरल विधि में जो पूजा होती है उसकी सामग्री दिखाऊंगी कि क्या क्या हमें उसकी सामग्री चाहिए होगी वो दिखाऊंगी ताकि आप धनतेरस के दिन जब आप कुबेर जी का पूजन करें तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो दिखाने वाली हूँ तो बेसिक सी सामग्री है तो देखिए जहाँ पर आप चौकी लगाएंगे जहाँ पर आप लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन करेंगे वहां पर एक चौकी लगाएं चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं जहाँ पर हमें पूरे पांच दिनों तक एक ही चौकी पर पूजा करनी होती है और अच्छी प्रकार से सजा लें और इस प्रकार से देखिए हमें कुबेर महाराज की फोटो तस्वीर या मूर्ति चाहिए होगी आप ले सकते हैं और देखिए धनतेरस के दिन जो है घर में माता महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां चाहिए होती हैं तो देखिए जो नई मूर्ति होती ले होती है ना जो हम लेकर मार्केट से आते हैं उसकी पूजा तो बड़ी दीपावली के दिन की जाती है और जो हम डेली एक पूजन करते हैं अपने मंदिर में वो वाले लक्ष्मी गणेश जी चाहिए होते हैं और धनवंतरी भगवान की फोटो या तस्वीर नहीं है तो आप वहाँ सुपारी में जो है आवाहन करके पूजन कर सकते हैं और देखिए धनतेरस के दिन हमें नए बर्तन खरीदने होते हैं नए बर्तन खरीद सकते हैं स्टील के पीतल के या आप कोई भी उपयोग करने वाले पूजा के सामान भी ले सकते हैं दीपक चम्मच भी ले सकते हैं उसके बाद में जो है धन रख लें जो भी आपको मिले और आपने जो भी चीजें खरीदी हैं मार्केट से सोना चांदी या लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का जो भी आपने ज्वेलरी खरीदी है आप उसे जरूर से पूजा में रखें तो ये जो है ना पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है तो इस सामग्री को आप जुटा करके पहले ही रख लें तो देखिए धनतेरस के दिन जरूरी नहीं है कि मैं जो जो सामान दिखा रही हूँ वो आप सारा सा सक, खरीद सके जैसे भी आपकी स्थिति हो आप पैसा एक चम्मच ही मार्केट से खरीद कर लेकर आए लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदें फूल रख लेंगे और देखिए एक लोटा जल लिया है जो कि हम भोग लगाएंगे और एक लोटा जल लिया है जो कि शुद्धिकरण पवित्रीकरण करेंगे और आचमनी के लिए चाहिए होगा और देखिए धनतेरस के दिन हमें साबुत खड़ा धनिया खरीद कर लाना होता है जो धनिया होता है धनिया का अर्थ होता है धन तो धनिया जरूर से खरीद कर लेकर आए क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को और कुबेर जी को धनिया बहुत प्रिय होता है जो धनवंतरी भगवान होते हैं वो हमारे जो देवताओं के आयुर्वेद के जो देवता हैं उन्हें जो है भगवान डॉक्टर बोले बोले जाते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पर अजवाइन अजवाइन का पत्ता हरी जो हरी इलायची और मोटी इलायची होती है ब्लैक वाली और यहाँ पर जो है दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो है काली मिर्च वो रख लेंगे जितनी भी औषधियाँ होती हैं वो आप जरूर से रख लें जैसे ये हमने सूखी सोंठ रखी है यानी सूखा अदरक होता है नीम की पत्तियाँ ले लीजिएगा मैं एक, छो, एक ही दिखा रही हूँ उसके बाद कढ़ी पत्ता ले लीजिएगा लौंग हल्दी पाउडर ये सभी चीजें हमें चाहिए होती हैं आयुर्वेद के लिए और देखिए एलोवेरा होता है ये आप जरूर से रखें और अदरक आप ऐसा भी रख सकते हैं सूखा अदरक भी रख सकते हैं जिसे हम सोठ बोलते हैं वो रख सकते हैं और आसन देने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी अक्षत लिया है अक्षत आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए खंडित नहीं होने चाहिए साबुत अक्षत होने चाहिए ये आप करियाना स्टोर पर जाएंगे तो ले सकते हैं साबुत अक्षत उसके बाद में हमने धूप दीप बना ली है माचिस रखी है और आरती करने के लिए कपूर रखा है तो आप इस तरह से सामग्री इकट्ठा कर लीजिएगा चंदन रोली का चौकटा रख लीजिएगा टीका करने के लिए इस प्रकार से और इत्र हर पूजा में प्रयोग किया जाता है तो इत्र जरूर से रखे सभी देवी देवताओं को इत्र अत्यधिक प्रिय होता है जनेऊ रखेंगे गणेश भगवान के लिए कुबेर देवता के लिए धनवंतरी भगवान के लिए उसके बाद में रूपी कलावा चाहिए होगा आप यहाँ पर वस्त्र भी ले सकते हैं माता रानी के लिए चुनरी भी रख सकते हैं उसके बाद में हमें चाहिए ऋतु फल जो कि आप केला सेब संतरा जो भी मौसमी फल मिलते हो आप वो रख सकते हैं और देखिए धनतेरस के दिन जो है खील बताशों का जो है पूजा में प्रयोग किया जाता है बहुत ही शुभ माना जाता है तो खील बताशे आप जरूर से रखें पूजा में क्योंकि ये नई धान का होता है फल तो इस तरह से रख लीजिएगा और जो है दीपावली है धनतेरस है पांच दिवसीय त्यौहार है तो मिठाई तो बनती है तो मिठाई जरूर से रख लीजिएगा और देखिए तुलसी जो है सभी आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती है तुलसी आप जरूर से रख लीजिएगा अगर एकादशी है तो एकादशी के दिन तुलसी मत तोड़िएगा एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख सकते हैं इस बात का ध्यान रखेगा तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें जो है आपको धनतेरस की बेसिक सी सामग्री दिखाई है इसी सामग्री से आप अपने धनतेरस की पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो आज के दिन झाड़ू भी नहीं खरीद करके पूजन कर सकते हैं मट्टी के जो दीपक आते हैं वो भी आप खरीद सकते हैं आज के दिन बस आपको आज के दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदने हैं लोहे के बर्तन नहीं करते हैं आई होप आपको यह धनतेरस की पूजा सामग्री की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखेगा राधे राधे